अब इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं पुखराया, देख रहे हो ना, ये सरदार पटेल शेर देखा है ना भाई साहब। इतना अच्छा पार्क बनाया है यहाँ पर सभी लोगों के लिए, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ये बस मेरी यही इच्छा थी कि यार पुखराया जहाँ अपना क्षेत्र है, कम से कम अपने बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन पुखराया के विषय में भी थोड़ी जानकारी दे दी जाए, क्या है कैसा है, देख रहे हो ना। ये सरदार पटेल लौह पुरुष की मूर्ति लगाई गई है यहाँ पर। तो हम हैं और अंकित भाई है, बस दो लोग हैं। यहाँ से नज़दीकी हाईवे है उस तरफ ये, और ये देख लो खेलन के लिए बनाया गया है ये स्ट्रीट लाइट, सारी व्यवस्था है ताकि उजाला भी रहे। और उधर देखो ये महावीर, आइसक्रीम खाओ मस्त रहो। चलो है तो इसे ठीक मौसम का यार बेईमान साहब है, आज मौसम बेईमानी नहीं करना चाहिए, धूप तो ख़त्म होगी, बादल आ गए मस्त। चलते हैं आगे, देखते हैं यार कुछ अपना पुखराया के बारे में कुछ खास दिखाया जाए आप लोगों को। चलें आप पुखराया देख रहे हो ना, आज धूप एक भी नहीं है, मज़ेदार मौसम है एकदम। देख लो ये है पुखराया कुमार इंजीनियरिंग वर्क्स, काफ़ी यार यहाँ तरक्की हो चुकी है और ज़्यादातर सामान यहाँ पर मिल जाता है, लोहे का हो, गाड़ियाँ हो, कुछ भी हो, गेस्ट हाउस वगैरह हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं। ये देखो कबाड़ में खड़ी एम्बुलेंस सड़ रही है 108। ये देखो आनंद लॉन, यहाँ पर आनंद ही आनंद है समझे। देखो यहाँ पर सभी लोगों का मनोरंजन के लिए, सबके लिए देखो ये गुड्डन ट्राली कृषि, हर चीज़ की व्यवस्था है, शिव गार्डन। और ये रहा अंग्रेजी शराब, शायद बंद हो चुका है यार, ठेका चेंज हो गया, जगह चेंज हो गई है। चलो वैसे यहाँ पर क्या कहते हैं कि गेस्ट हाउस की कमी नहीं, अगर यहाँ पर गिने जाए ना गेस्ट हाउस तो कम से कम 40-50 से नीचे तो होंगे नहीं, क्यों अंकित भाई? 40-50 से नीचे और क्या हो सकता है, ज़्यादा निकल जाए। ये देखो यहाँ पर बजाज की गाड़ियाँ मिलती हैं, मोटरसाइकिल्स वगैरह। और ये संत राज पैलेस, क्या बात है आज यार, वीडियो भाई गजब की बन रही, एकदम मौसम रंगीन है, मज़ेदार है। और यहाँ पर रॉयल इनफील्ड, वाह ये देखो ये उसका शोरूम है, ये सब बढ़िया है, अच्छा लग रहा है आज का मौसम, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे दोपहर में बनाए लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी कि निकलने का मन ही नहीं हुआ है ना, तो हमने सोचा कि अब शाम को चलेंगे, ठंडा मौसम हो जाएगा, इतना मस्त कर दिया ठंडा कि अब धूप लगी नहीं रही है, मस्त अच्छी सी हवा चल रही है सुहावनी, स्लोली स्लोली। चलते रहो चलते रहो, ये देखो ऑटो जा रहा भाई। ये रहा विदुर कुटी, अरे भैया यहाँ पुखराया का सबसे जाना माना होटल, ये देखो विदुर कुटी, शायद ना देखा आप जान जाओगे विदुर कुटी यहाँ पर है ना, सघन क्षेत्र समिति। और यहाँ पर तो हम लोग यूनाइटेड पब्लिक स्कूल में काम ही कर चुके हैं यार, क्या यार गरीबी भी क्या चीज़ है, सारी काम करनी पड़ेगी। होंडा गोरंग होंडा भाई साहब, एक नंबर गाड़ी, ले तुरंत लो नगद हार्ड कैश, यहाँ पे सभी जगह मस्त मस्त एकदम मस्त। राम स्वरूप ग्राम उद्योग पीजी कॉलेज पुखराया कानपुर देहात। और ये रही वो मंडी पशु बाज़ार, यहाँ पर पशु बाज़ार लगती है भाई, यहाँ बेचे जाते हैं बकरी भैंसे सभी। और ये रहा इंटर कॉलेज, आगे वाला इंटर कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, आगे वाला इंटर कॉलेज है। तो अब यहाँ से भीड़ भाड़ वाला इलाका शुरू हो जाता है जे पुखराया का, राम स्वरूप ग्राम उद्योग इंटर कॉलेज। यहाँ देखो ये सारा का सारा बक्से अक्से सभी यहाँ मिलते हैं है ना। और ये देखो ये जगह जो है सुगा बाबा के नाम से जानी जाती है, ये देखो सुगा बाबा यहाँ है, ये है सुगा बाबा, ये यहाँ के देखो समोसे वमोसे, क्या बात है, सभी लोगों का वीडियो बनेगा आज तो। ये पुखराया है यार, यहाँ पर शेवश क्या बात है ना, वैसे डॉट सेंटर क्या बात है,
वैसे अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर कुछ ही चीज़ें हैं जो ज़्यादा विख्यात हैं, जैसे वो दिखाया था विदुर कुटी होटल, वो सबसे ज़्यादा जाना पहचाना है यहाँ पर। और वैसे महंगाई की बात करी जाए तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ लेने जाओगे तो कुछ ज़्यादा ही महंगा मिलेगा आपको। जो भी बताया जाए दाम, ये समझो उसका आधा करना है तुरंत, तो सही है। वरना गोल्डन मार्ट आज वे बंद है, बड़ी बाजार थी। चलते रहो, चलो रहो, धीरे धीरे चलते रहो, बढ़ते रहो आगे। और ये देखो ऐसा पोखराया के नज़ारे, क्या बात है। और शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बैनर लगा रखा श्री नैना साड़ी सलवार, है ना। तो ऐसा है, मज़ा तो बहुत आता है यहाँ घूमने में, क्योंकि तो भीड़ भाड़ रहती है, अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर पता और क्या है, यहाँ पर दुकानें हैं सबसे बड़ी कपड़े की, बर्तन की, सचान डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी एक्सरे वगैरह, ये गुरुकुल किड्स, अंग्रेजी यहाँ पर मेडिकल स्टोर भी बहुत है। ये देखो मार्केट, लड्डू भाई साहब एक नंबर लड्डू ही लड्डू। और ये देखो मोहर देवी मंदिर, एक तरफ मंदिर है और एक तरफ मस्जिद है यहाँ पर, है ना। ये देखो मस्जिद है, है ना। और ये रहा नैना साड़ी सलवार भाई साहब, मज़ा तो आता है यार यहाँ पे। और रात हो जाती है ना थोड़ी, लाइटें वाइटें जगमगाती हैं तो मज़ा आता है और अच्छा सा, है ना। और ये रहा खजांची जी का छोटा सा होटल, लाजवाब साड़ी सेंटर, है ना। और यहीं आगे थे, ओ भाई भैया आगे जा रहे, फिर टाइम ना ही ज़्यादा। और ये है हॉस्पिटल, यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये। ये देखो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये रास्ता है, ये है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, है ना, है ना। मज़ेदार हर चीज़ की व्यवस्था है, लेकिन एक ही गली में है सब कुछ आगे से लेके पीछे तक। और ये है रेलवे स्टेशन के लिए रास्ता इधर से, ये देखो वाली हाकिमी चाहिए एक तो। और हम भैया इंद कपड़ा ले गए थे इस दुकान पे, यह दुकान है जब कपड़ा हम नहीं जाते। और ये देखो देखो सही था आ रहे हैं, कोनो किराए के नहीं आ रहे हो, देखो सन्नाटा पड़ा एकदम भाई साहब, आराम से निकालो देख के बगल में। सामने थोड़ी दूर पर एक पुलिस चौकी, और बहुत बारिश हो चुकी यहाँ पर कायदे की, देख रहे हो जलमग्न हो गई दुनिया, है ना। देखो ये देखो विक्रेन जी, ये देखो नवाब साहब की दुकान, क्या बात है, है ना। और ये रही पुलिस चौकी, ये पुलिस की कार, हम तो डर गई। और ये देखो बच्चे के नाम पर प्रतीक ज्वेलर, क्या बात है। और भाई साहब पानी का मानसून, ये देखो भाई दुनिया है, मानसून बिखरा पड़ा है। ये देखो शारदा कृषि फार्म पानी भर चुका है, तो भीड़ भाड़ ज़्यादा है, गाड़ी चलने में दिक्कत हो रही है, ब्रेक बका बक बोल रहे हैं, किर पर हो रही है, है ना। देखो छत पे भैया लगे हैं टावर, ऑन द टावर, क्या बात है। वीडियो बनवाई दे रे दद्दा, तो ये सब है। बारिश ने भाई साहब मज़ा करवा दिया पूरा, बहुत गर्मी हो रही थी। और ये देख, है ना, इस तरफ है नगर पालिका बना हुआ है, यहाँ पर सब चीज़ें हैं, हर मिलता है, सब कुछ है, जहाँ दिक्कत आगे बढ़ाओ गाड़ी तेजी सर दे हो निकल जाए, है ना, बढ़ाओ 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 सर दे निकालो सर दे हो निकल जाए। और ये रहा बस स्टेशन, ये है नौबस्ता घंटा घर को बुलाया, रोकनी
और अरे निकल जा यार, लगता का हल्ला मचाया जा भैया। ये देखो यहाँ पर है SBI बैंक, ऋण विभाग, सभी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर भाई। यहाँ पर मार्केट की अगर बात की जाए तो देखो ये देखो वी बाजार, वेरी बिग बाजार, ये दाम कम फैशन हाउस, ये हरदम बिल्कुल एकदम बैंक का पड़ा होता है। यहाँ पर बच्चों के बनते हैं आधार कार्ड। अरे भैया भैया चकचालपुर के प्रधान जी मिल गए तो नए वाले। और ये देखो होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल है ना, बड़ौदा UP बैंक। और ये रहा ट्रेंड से सेल अप टू 50%। भाई पुखराएंगे तुम्हें हमारे एक चीज़ दिखाएंगे, एकदम मेन गली में जो भी है आपको हम सब बताएंगे है ना। आगे आगे क्या होता है ये देखो भाई, ये सेल लगी क्या? अरे क्या बात है, ये ट्रांसफार्मर बीच में खड़ा है ताकि कोई आए तो ले जाए मेरी लाखुआ पाए है ना। गेस्ट हाउस जय राधिका गार्डन, भाई साहब यही वो गार्डन है जहाँ पर मेरा पेंट फट गया था। और ये देख भाई आम की ढिलिया लगी एकदम चौकस। ये देखो वीवो का न्यू ताज मोबाइल शॉप, यार क्या है यार, पुखराया में सब चीज़ें उपस्थित हो चुकी हैं। अब आने वाली है सरदार जी की दुकान, भाई साहब यहाँ पर बोरिंग का सामान सारा, ट्रॉली वगैरह सारी बनाई जाती हैं। और आगे वो और वो रही सरदार जी की दुकान, ये वाली ये है सरदार जी की दुकान, यहाँ पर सब सामान मिलता है ना। ये है खुशी पेटी कॉर्नर, भाई साहब तुम एक बार आ जाओ, कोई भी आए मज़ा आता है। लेकिन अब क्या है ना, चाचा निकल गए खटिया लेके, जल्दी हो चाचा गर्मी बहुत है। सहनाई विला यही वो सहनाई विला है जहाँ पे चाउमीन उलर उलर जा रहे हैं, जब चाउमीन के चक्कर में जनता ने कुछ चाउमीन में काका डाली जाती है। तो हम लोग काफ़ी हद तक बाहर आ चुके हैं पुखराया के, और अंकित भाई के मोबाइल पर फोन आ रहा है। तो ये है देखा आप लोगों ने क्या बात है, ये जान दे ये देखो जा रही गाड़ी है भाई साहब, ऐसे चलती है यहाँ पर गाड़ियाँ दर्राटे काटते हुए। कानपुर देहात का पुखराया क्षेत्र है, पानी गिरा है अच्छे से। अरे यार अपने इधर डेरा पर में तो बारिश हो ही नहीं रही है सही से, इतनी गर्मी का माहौल है, खाना खाओ या ना खाओ पसीना से तला तल ले जाओ है ना। ये रहा ट्रैक्टर पावर ट्रैक एजेंसी, तो यहाँ पर पावर ट्रैक की गाड़ियाँ मिलती है ट्रैक्टर है ना। तो ये है पुखराया, आपने देखा कैसा लगा पुखराया कमेंट में एक बार ज़रूर बताना यार अपने भाई को, क्योंकि अभी भी नया शामिल हुआ हूँ मैं यार ब्लॉग वगैरह बनाने के लिए, इतनी अच्छी आदत नहीं है बोलने की फ़िलहाल में, जो भी है टूटी फूटी आवाज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। और आने वाला है आहरौली सेक, आहरौली सेक के लिए आगे रास्ता है, कम्फर्ट है, चलो निकालो। क्योंकि तुम्हारे पीछे एक जुगाड़ गाड़ी लगी हुई है, देख रहे हैं शक्ति ट्राली कृषि यंत्र, देखी होगी सुनी भी होगी अपने, काफ़ी जगह पढ़ा भी होगा ट्रालियों में। तो भाई साहब ये देखा आपने पुखराया, मैं आपको ये दिखाऊंगा पुखराया जो भी हो सकता है दिखाने के लिए, जहाँ तक दिखाऊंगा मैं क्योंकि समय भी हो रहा है काफ़ी। ये देखो हर वगैरह यहाँ सभी बनते हैं, हनीफ मिस्त्री एजेंसी वगैरह, सुपर ट्राली, मंसूरी ट्रैक्टर, न्यू भारत बैंड, और यहीं पास ही में मुस्कान डीजे वाले के अभी भी दुकान कहीं देख नहीं पाए हम लोग। झांसी नई दिल्ली ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये सारे रास्ताओं के लिए बनाया गया रोड, अब हम लोग यहीं से
यू टर्न ले लेंगे, हाईवे के उस तरफ जाएंगे। भाई देख के क्रॉस करना है, ये देखो हम लोग हाईवे पर आ गए हैं। ये पुखराया था और इस तरफ जाओगे भोगनीपुर है। ये देख रहे ना आप लोग सभी लोग, क्या बात है, ये देखो पुखराया। और तो अब हम लोग इस वक्त हाईवे पर चल रहे हैं, दूसरी तरफ आ गए हैं बिल्कुल पुखराया के बाहर। और ये रही भारत गैस एजेंसी, यहाँ पर सिलेंडर वगैरह मिलते हैं। ये पूरी है, ये यहाँ पर सिलेंडर भारत गैस के मिलते हैं, चलो है ना। और इस हाईवे किनारे किनारे और भी बहुत सारे गेस्ट हाउस वगैरह हैं, इस तरफ दुकानें हैं, घर हैं सभी लोगों के। ये रहा फ्रंट, और मैं आपको इसके हेलमेट के ऊपर तो भाई साहब दिखा दें एकदम पूरा एक नंबर। ये अमन गार्डन, ये है अगर किसी को कुछ करना है, शादी पार्टी कुछ भी, ये देखो। और ये रहा एसएस पैलेस, भाई साहब ये एसएस पैलेस और शिववती शिवनंदन शुक्ला महाविद्यालय, ये महाविद्यालय पुखराया भोगनीपुर का। यहाँ पर काफ़ी अच्छी सी चीज़ें हैं पढ़ाई करने के लिए, देखने के लिए और काम करने के लिए भी है। तो खड़े होकर ज़्यादा देर नहीं बना सकते क्योंकि यार समय हो चुका है। देखा मैंने क्या कहा था कि इस रोड पर काफ़ी मैरिज हॉल हैं, देखो सैनिक मैरिज हॉल है ये, है ना। तो मैंने आपको इसलिए जानकारी दी है ताकि अगर पुखराया कभी भी आ पाएँ तो हमारे वीडियो के सहारे अगर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो पहुँच ही सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको पता नहीं कहाँ जाना हो और हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल हो जाए। तो ये मेन हाईवे है, ये सीधा रनिया तरफ गया हुआ है, कानपुर से जोड़ता हुआ, कानपुर दिल्ली हाईवे नेशनल हाईवे को जोड़ता हुआ है। और ये रहा ममता नर्सिंग होम एंड अल्ट्रासाउंड, ये रहा वो अस्पताल, यही भाई साहब अस्पताल तो यही है पुखराया आगे। ये पता है प्राइवेट अस्पताल, क्या बात है, लूटने के लिए सबसे आगे। ये SBI बैंक पुखराया के अंदर, दो SBI बैंक हैं, एक ये अरौली सेक की तरफ से है और एक पुखराया की तरफ से है ना। चलो चलते रहो बढ़ते रहो। अंकल जी आंकला नहीं, यह रास्ता है पीछे से। और BKHD कॉलेज ऐसा लगता है। और ये रहा तुम्हारा सचान कॉम्प्लेक्स, दिखा चुके हैं जैसे ये देख है ना, और जो हमने आपको सुबह दिखाया था। और ये वो है वो दुकान, ध्यान दो पीछे की तरफ ध्यान दो। राजानी फाउंडेशन, ये है वो, ये है पावर प्लांट पुखराया भोगनीपुर का, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम। ये हाईवे के बिल्कुल किनारे ही है जैसा कि तुम लोग देख पा रहे होगे। तो आज तो हमने पुखराया घुमा दिया भाई साहब शुरू से लेकर लास्ट तक। तो वीडियो जैसा भी लगा हो आप लोग ज़रूर बताना एक बार, शेयर सब्सक्राइब करना तो आप लोग जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो थोड़ी बहुत मदद करना हमारी भी ताकि और अच्छे से हम बोल सकें और अच्छे से वीडियो हम बना पाएँ। अगर फुर्सत होगी तो कहीं किसी जगह की हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे। और मैं आपको एक खास चीज़ दिखा दूँ भाई साहब, वो घर दिख रहा है आपको जहाँ झंडा लगा हुआ है जिसमें 000 बने रखे हैं, ये देख रहे ना, ये किसी आदमी का घर है, यानी कि किसी मेरे रिश्तेदार का घर। अब तुम पूछना नहीं कि कौन है वो, किसका घर तुम्हारे से, लेकिन जो भी है ठीक है। तो हमने आपको ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं दिखाया है, हम लोग आगे चलते रहेंगे। और गंधन वाली जगह आ चुकी पुखराया, ITI कॉलेज के सामने गंधन वाली जगह। भाई साहब यहाँ पर कूड़ा कचड़ मुर्दा गए, कुत्ते लौट रहे हैं यहाँ पर, जैसी भी खड़ी है कूड़ा हटाने के लिए। बस आ गया नीतू टेंट लाइट एंड हाउस,
लेकिन अंदर जाने की जगह नहीं है। यहाँ पर बाबा साहब का पार्क, वो खुला होता गेट तो दिखाते चल के यार एक बार, लेकिन गेट खुला नहीं। लेकिन आप लोग देख सकते हैं दूर से ही थोड़ा बहुत, ये है वो बाबा साहब का पार्क बना हुआ है ना। तो ये एक ऐसी जगह थी लास्ट जो दिखाने के लायक था पार्क। चलिए कोई बात नहीं, जितना हो सका मैंने आप लोगों को दिखाया है। और ये रहा हरदुआ पुल का ब्रिज, यहाँ से चढ़ के निकल जाओ आराम से, और हम लोग यहीं से नीचे से निकल जाएंगे अपने कल्ला की ओर। कल्ला जाएंगे, वहाँ से नानी को लिवा के अपने घर गांव बड़ावल जाएंगे डेरापुर की तरफ। तो वीडियो कैसा रहा दोस्तों बताना एक बार ज़रूर। ओके फिर मिलते हैं बाद में, बाय बाय। नहीं जो भैया गुजिया ये देखो समोसा है न, अब समोसा की मार चलेगी। ये देखो ये दुकान है मस्त, यहीं पर रखो। भैया फोटो दो, ये दुकान पे फोटो तो आने जरूरी है यार भैया।